पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर वन रिसोर्सेज। तो हम यहाँ पे चैप्टर वन रिसोर्सेज पढ़ेंगे। पहले मैं कलर सेट कर लेता हूँ। कलर मैं यहाँ पर अगर रेड रखता हूँ तो ठीक रहेगा, और इसको थोड़ा सा पतला रख लेते हैं, इसे हटा देते हैं हम। अभी के लिए इसको ऐसे फुल करते हैं और इसको ऐसे मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। तो फिर अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर वन रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होती है? तो एनी एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट दैट हैज यूटिलिटी एंड वैल्यू इज नोन एज रिसोर्स। यानी कि ऐसा कोई भी चीज एनवायरनमेंट में जिसके पास यूटिलिटी और वैल्यू दोनों होगी उसे हम रिसोर्सेज कहेंगे। तो इसका सीधा सीधा हम डेफिनेशन ले सकते हैं, एनी एलिमेंट इन द एनवायरनमेंट दैट हैज यूटिलिटी एंड वैल्यू इज नोन एज रिसोर्सेज। तो हम इस टाइप से इसकी वो लिख सकते हैं डेफिनेशन। तो अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं? तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे को नेचर से मिले, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हमारे को ह्यूमन से बनी हुई मिले, यानी जिसे ह्यूमन ने बनाया हो, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हम लोग है ना, हम एक रिसोर्स है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्सेज आपको समझ आ गया, मतलब कि ये टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो हम चलो नेचुरल रिसोर्सेज से स्टार्ट करते हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है? तो नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंसेस सच एज लैंड, एयर एंड वाटर दैट आर वैल्यूएबल एंड नेसेसरी इन देयर अनमॉडिफाइड वे इज नॉन एज रिसोर्स। यानी कि कोई भी चीज जैसे कि एक पेड़ है, इससे हमारे को जो ट्रीगल वुड मिलता है वो हम नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन हम उसे नेचुरल रिसोर्स की तरह यूज नहीं करते हैं। हम उसे किसकी तरह यूज करते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज की तरह, क्योंकि हम उस ट्री को कट कर देते हैं फिर उससे फर्नीचर्स बनाते हैं। तो हमने उसको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के तौर पर यूज किया। लेकिन जैसे अब वाटर हो गया, अब वाटर को तो हम डायरेक्टली पी लेते हैं, पाइप्स के द्वारा हमारे घर में सप्लाई होते हैं, हम उसे पी लेते हैं या टैंक वैंक आते हैं, तो वो हो गए नेचुरल रिसोर्सेज जो हम लेते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन यहाँ पर रिन्यूएबिलिटी एंड बेस्ड ऑन, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेस्ड ऑन, ये चारों पे डिपेंडेंट है। तो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। यानी कि बेसिस वो डेवलपमेंट के बेस पर क्लासिफाइड होते हैं रिसोर्सेज नेचुरल एंड एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज में। तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि जो चीज हम यूज कर रहे हो, जैसे कि हमारा एप्पल हो गया, वो नेचुरल रिसोर्स है, जैसे खाते हैं हम उसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा नागपुर का पेट्रोलियम, फिर ऑयल फील्ड ऑफ मुंबई का वो कोल, मतलब कि हाँ छोटा नागपुर प्लेटू का कोल एंड मुंबई का पेट्रोलियम, तो वो सब चीजें क्या हो गई? वो एक्चुअल रिसोर्सेज हो गई जिसे हम यूज कर रहे हैं। पर पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो होते हैं कि जो आज के टाइम पे प्रेजेंट है पर हम उसे यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यूरेनियम मेटल हो गया, जिसे हम अभी के टाइम पे यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन वो आज भी प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस बट मे बी यूज ओनली यूज इन द फ्यूचर, दे कैन नॉट बी यूज एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल टूडे। यानी कि वो आजकल इसलिए यूज नहीं हो सकते लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से,
कि अगर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे यूज कर पाए। जैसे यहाँ एग्जांपल हो गया गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ कचापत नियर दी कोस्टल लाइन ऑफ गुजरात हैव अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ ग्रीन एंड टाइडल एनर्जी हाउएवर इंडिया इज येट सेट अप अ प्लांट। यानी कि टाइडल एनर्जी के बारे में हमारे को यहाँ भी बता रहे हैं। जो गल्फ ऑफ कच्छ है और गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कचारबात तो उससे हम वो वहाँ पे टाइडल एनर्जी बहुत सारी है लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन क्या है? तो बेस्ड ऑन ओरिजिन देर आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, बायोटिक क्या होते हैं? बायोटिक होते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स तो पता होगा, एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। बस इतना ही है, इसमें और कुछ है ही नहीं। जैसे पर बायोटिक में आप बायोटिक में ऐसे नहीं ले सकते टेबल चेयर, उसमें आप ले सकते जैसे वाटर हो गया, एयर हो गई, लैंड हो गया, ये सब भी तो वो एबायोटिक की चीजें हैं। तो अब हम बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी पढ़ते हैं। सो बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी क्या है? तो शायद ये बंद हो गया। तो खुल रहा है तो खुल गया। तो अब यहाँ बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी पे होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार यूज हुए तो वो दोबारा से यूज हम उसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने सोलर पैनल बैठा दिया, एक यहाँ सन है, यहाँ से एक रेज आई, इस पर टकराई तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी स्टोर हो गई। यहाँ पे एक मेटल के वो प्लेट थी, यहाँ से टकरा के इस पर टकराई और इस पर वापस इस पर टकराई, तब दूसरी बार भी वहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी कि सोचेगा कि वही रेज है तो एनर्जी नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसा होगा नहीं होगा। तो वैसे जैसे हो गया हाइड्रो एनर्जी, ये सब जैसे होते हैं इन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं हो सकते हैं। और जो अगर ये वाला जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगर वो होते हैं कि एक बार यूज हुआ फिर खत्म हो गए तो बहुत जल्दी से दोबारा आ जाते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रिप्लेनिश, यानी कि उन्हें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। अब हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन डेवलपमेंट आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज यूनिक्लिप्टस एंड लोकलाइज। तो ये क्या होता है? ये जो होता है ये वाला, ये होता है कि जो हर जगह मिलता हो, यानी कि जो आपके घर पे भी मिल रहा है वो चीज, वो आपके घर आपका कोई दोस्त शिमला में उसको भी मिल रहा है, आपका कोई रिलेटिव अमेरिका में उसको भी वो चीज मिल रही है। तो वो चीजें होती हैं वो वाले रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह मिलते हैं। लेकिन जो ये वाला रिसोर्सेज होते हैं वो उस लोकलाइज रिसोर्सेज जो कुछ स्पेसिफिक जगह पे मिलते हैं। जैसे कि आप स्नो का ले सकते हो, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपने कभी आज तक स्नो हो देखी होगी दिल्ली में? ओले की बात नहीं कर रहा हूँ जो आसमान से टप टप टपक गिरता है, स्नो की बात कर रहा हूँ जो शिमला विमला में होती है। तो वो हर जगह नहीं मिलती स्नो, वो कुछ पहाड़ी इलाकों में मिलती है। तो वो हो गई एक लोकलाइज्ड रिसोर्स। और भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि सैंड भी हर जगह ज्यादातर मिलती नहीं है। तो ऐसी चीजें। अब आ गए हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज उस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमंस ने बनाए हो। अब ह्यूमंस तो कुछ खुद से बना नहीं सकते हैं, जिन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके अपने यूज के अकॉर्डिंगली बनाया हो। जैसे वुड को लेकर उन्होंने सोफा बना लिया, उसी वुड से उन्होंने टेबल बना लिया, उसी वुड से उन्होंने कुछ और बना लिया। तो वो अपने नीड के हिसाब से उन्होंने वो कर लिया, उसका यूज कर लिया वुड का, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब ह्यूमन मतलब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं?
तो फिर उसको पढ़ते हैं। चलो ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमंस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। नो सब्सटेंस इन नेचर कैन बी रिसोर्स बाय इटसेल्फ, इट ओनली बिकम अ रिसोर्स व्हेन इट पुट यूज बाय अस थ्रू इट्स नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन एंड गुड हेल्थ हैव हेल्प ह्यूमन टू बिकम अ रिसोर्स। यानी कि वो ह्यूमंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। आपके टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डैश इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो ह्यूमंस क्यों, पूरे नेचर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद से एक रिसोर्स बन जाए। वो रिसोर्स तभी बनती है जब वो दूसरे लोगों के द्वारा यूज होती है। तो अब ह्यूमन कैसे यूज होते हैं, चलो आपका टीचर या फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे यूज कर रहे हो एडुकेशन लेने के लिए, तो अपने टीचर को यूज करते हो आप एडुकेशन लेने के लिए, तो वो एक रिसोर्स बन जाते हैं आपके टीचर। डॉक्टर जो होते हैं उन्हें आप यूज करते हो दवाइयां लेने के लिए, अपनी हेल्थ जानने के लिए आप यूज करते हो। तो जिस भी इंसान को या जिस भी चीजों को यूज आप करते हो वो एक रिसोर्स बन जाता है। तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर सकते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स देखते हैं। सेटिस्फाइंग द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोसेस, यानी कि अब कोई भी चीज अनलिमिटेड तो हो नहीं सकती, कुछ चीजें जो अनलिमिटेड है, बट जो नॉन रिन्यूएबल थिंग्स हैं उन्हें तो हम बचाना होगा ना। अगर कोल, मान लो कोल अगर किसी दिन खत्म हो जाता है तो वो तो मिलियंस ऑफ इयर्स ले लेगा दोबारा से बनने के लिए कोल, तो अब हमारे को उसको ठीक से यूज करना होगा ना, ताकि हम उसको उतने टाइम तक चला सके जब तक दोबारा से और ज्यादा कोल ना बन जाए। तो हमारे को अच्छे से यूज करना चाहिए चीजों को। हाँ, आपने ये वाला साइन तो कभी ना कभी देखा ही होगा, अब बताओ ये किस चीज का साइन है, कारण मैं बताना, तो ये साइन को आपको यूज करना चाहिए। ये होता है रिड्यूस, ये होता है रिसाइकल, ये होता है रीयूज। तो ये रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज आपको करना चाहिए ताकि आप कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस कर सको, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में इसका ये टेबल समझेंगे, और टेबल का आपको वैसे जरूरत नहीं है, और इसके बैक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, और अगर हो तो ये भी देख लेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, तब तक आप मेरे को देख सकते हो, सो बाय बाय, तब तक के लिए, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हम एम रखते हैं टोटल 50 लाइक्स का, ठीक है, और 10 सब्सक्राइबर्स का, ठीक है, तो 50 लाइक्स एंड 10 सब्सक्राइबर्स। सो तब तक के लिए बाय बाय।